हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर। 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर है ये, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। 2 BHK फ्लैट है ये, बाहर का व्यू है, आप एक बार देख सकते हो। ये रोड है, मैं एक बार पार्क दिखा देता हूँ नियर। तो दोस्तों, ये नियर बाई पार्क है, सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे ये पार्क होने वाला है। आप देख सकते हो पूरा ये पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है। तो चलते हैं हम फ्लैट के, दिखाते हैं आपको फ्लैट। दोस्तों, 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर है, लिफ्ट में पार्किंग के साथ में फ्लैट होने वाला है। तो ये हमारी पार्किंग है, पूरी पार्किंग हमारी। ये हमारा जीने हो गया, तो दोस्तों चलते हैं फ्लैट के अंदर। यहाँ से हमारे फ्लैट की एंट्री है। फ्लैट के अंदर जाते ही हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, जो कि ड्राइंग रूम का आप साइज देख सकते हो। ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, ड्राइंग रूम के साइज। ड्राइंग रूम में हमारा ड्राइंग रूम हो जाता है। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हो वॉलपेपर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर है। ये हमारा वॉलपेपर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस ड्राइंग रूम से अटैच हमें यहाँ पर वॉशरूम मिल जाता है। ये हमारा अटैच वॉशरूम हो गया। इस ड्राइंग रूम में हमें यहाँ पे वॉल पे वो LED पैनल मिलता है, जो कि LED पैनल लगा हुआ है। पूरे टेक्सचर पेंट हो रखा है, पूरी दीवार पे टेक्सचर पेंट हो रखा है, आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं वॉशरूम की। तो ये अटैच वॉशरूम है, ये हमारा अटैच वाशरूम हो गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम बेडरूम की। तो हमारा फर्स्ट बेडरूम यहाँ से स्टार्ट है। अब बेडरूम का साइज आप एक बार देखो, पूरे दीवार पे टेक्सचर पेंट हो रखा है इसमें। और यहाँ पे सामने हमें वॉलपेपर मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा वॉलपेपर लगा हुआ है। इसमें पंखे लग चुके हैं, इसमें तो आप देख सकते हो पंखे लग चुके हैं। इसमें पोफलाई भी लगती हुई है, POP का वर्क हो रखा है इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। अब हम बात करते हैं, चलते हैं बात करते हैं सेकेंड बेडरूम की।
तो दोस्तों यहाँ से हमारा सेकंड बेडरूम है। अब बेडरूम का साइज आप देख लो एक बार, बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है इसमें। दोनों तरफ हमें अलवेरा मिल जाती है यहाँ पर भी, और इस तरफ भी बीच में हमें मिलता है वॉलपेपर, जो कि काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है इसमें। और बेडरूम का साइज जो है 12x10, तो 12x10 का बेडरूम का साइज है, जो कि साइज है काफ़ी अच्छा साइज निकला हुआ है। 2, 4, 6, 8, 10, 12x10 का साइज है। इसमें भी पीओपी वर्क हो रखा है, पंखे लग चुके हैं। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं वॉशरूम की, तो यहाँ पे हमें इस बेडरूम से अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और देख सकते हो काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है, तो 65 गज में ये फ्लैट होने वाला है। यहाँ वॉशरूम है हमारा। अब हम बात करते हैं बालकनी की, तो दोस्तों यहाँ से हमारी बालकनी है, और आप देख सकते हो इस बेडरूम में हमें बहुत बड़ी विंडो यहाँ मिल जाती है। देख सकते हो बहुत ही बड़ी विंडो है, ये हमारी विंडो है। हम बात करते हैं बालकनी की, तो यहाँ पर हमें वॉशिंग का पॉइंट मिल जाता है बालकनी में। और बालकनी का साइज़ आपको एक बार देख लीजिए, ये हमारी बालकनी है, बालकनी का भी साइज काफ़ी अच्छा है। ये हमारा बाहर खुली हुए, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्लैट होने वाला है ये। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। तो ये हमारी किचन है, आप देख सकते हो इसमें चिमनी लगवा करके हम दे रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है जो, और यहाँ पे हमें मिल जाता है विंडो। तो ये हमारा सॉफ्ट है, और ये हमारी स्लीफ है, आप देख सकते हो बहुत ही लाजवाब स्लीफ है, ये स्लीफ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।